जी हमें जो ये मिला है इसका जो प्राइस है केवल 90 रुपये, मैंने बताया था 90 रुपये में अपना बढ़िया जुगाड़ हो चुका है, कपड़ा धोना नहाना सब कुछ हो गया। अब हम जा रहे हैं बाहर नाश्ते की फिराक में, लिफ्ट भी बढ़िया है भाई, होटलों में भी नहीं मिलती लिफ्ट तो। अजी तो गुड मॉर्निंग है जी आज सभी को, कैसे हो भाई? आई होप कि सब अच्छा होगा, सबके घर परिवार में सब अच्छे होंगे, बाबा कृपा करें। तो आज की तारीख है 2 सितंबर यानी 2nd of September और मेरी राइड का आज day 34 यानी कि 34वां दिन है और मैं सोमनाथ से केवल 12 किलोमीटर पीछे हूँ। रात को मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि खाना वाना मस्त खा के हमने सोए थे तो अपने को सोने की जगह मिल गई थी खटिया विद फैन के साथ, तो सो भी लिए हम थोड़ी देर और अभी हम चल रहे हैं सोमनाथ की तरफ। हम 4 बजे उठे तो हमने एक सबसे दिक्कत वाली चीज़ का सामना करना पड़ा, वो था टायर की हवा, ऑटोमेटिक टायर की हवा निकल गई थी पता नहीं क्यों। फिर मैंने अपना पंप का सारा सामान निकाला, देख रहे हो गए हैंडल लगा हुआ है और वो पाइप भी, तो हवा हवा भरी, फिर एक पेट्रोल पंप पे रुक के हवा को अच्छे से मीटर से चेक कर लिया और अब हम चल रहे हैं। हर बार मैं आपको सनसेट दिखाता था ना, सनराइज देखना भाई क्या मौसम हो रहा है। और मैं केवल सोमनाथ से भाई 12 किलोमीटर दूर हूँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तो मैं फटाफट मंदिर पहुँच के यार आपको नज़ारे दिखाता हूँ, ठीक है बाय बाय। लो जी सुबह भी हो गई भाई फाइनली और अभी हम खड़े हैं तकरीबन ये लगा लीजिए आप सोमनाथ टेम्पल से ओनली 4 किलोमीटर पीछे, तो अच्छी रही यात्रा, बढ़िया रात, हम अंधेरे अंधेरे में हम चला के ले आए और बस अब मंदिर पहुँचते हैं, चाय पियेंगे बढ़िया सी और आपको नज़ारे दिखाते हैं बाबा के दर के, ठीक है जी। मैं सोचा एक बार ही सुबह का भी नज़ारा दिखा दूँ क्योंकि हम तो अंधेरे में निकले थे, 5 बजे के 5:15, 5:30 निकले थे क्योंकि हवा निकल गई थी तो इसलिए लेट हो गए थे, तो कोई नहीं लेट क्या, बाबा के दर पहुँचे हैं, बाबा कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं अपने से, बढ़िया नज़ारा हो रखा है भाई। तो जी बाबा की नगरी भी आ गए, लेफ्ट हैंड साइड पे बोर्डर श्री सोमनाथ मंदिर, आई थिंक उल्टे हाथ पे है मंदिर या सीधा जाने का है अपने को मालूम नहीं, चाय पीते हैं फिर पता लगाते हैं। वो द्वार है, रुक जाओ वेट। लो जी पधार रहे हैं हम बाबा की नगरी के अंदर और श्री सोमनाथ ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है, धन्यवाद हमारा स्वागत करने के लिए। और हमने सोचा है कि हम डायरेक्ट पहले टेंपल की तरफ चलते हैं, ठीक है, और एक बारी दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना रुकने का या जो भी प्लान होता है वो आगे देखेंगे, पर एज ऑफ नाउ आप चल रहे हैं अभी सीधा टेंपल। हाँ जी हो गए जी दर्शन सवेरे सवेरे बाबा के, दिख रहा है सीधे आते मंदिर, लहराता हुआ झंडा बाबा का श्री सोमनाथ मंदिर की ओर। भाई सुबह सुबह भी भीड़ है, समय हो रहा होगा तकरीबन 7 बज रहे हैं अभी और हम फाइनली पहुंच गए। अरे जी वो रहा सामने टेंपल और मुझे नहीं पता उधर जा पाएंगे या नहीं, मतलब कि टेंपल के बिल्कुल पास साइकिल लेके, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा बहुत उज्जैन जैसा माहौल है, सारा इलेक्ट्रिक सामान जमा कराना पड़ेगा, मतलब फ़ोन वगैरह सब कुछ, कुछ भी शायद अंदर अलाउड नहीं है, तो पहले आप पूरा देख लेते हैं जो भी सीन बनता है। यार यहाँ ना बहुत ज़्यादा मछली की बदबू आ रही है, क्या बताऊँ मेरे को तो बहुत बुरी लगती है, ऊपर से देखो। लो जी भाई तो अपा सोमनाथ पहुंच चुके थे और हमने यहाँ पे काफ़ी तलाश करने के बाद अपने को एक रुकने की जगह मिली जो कि है, मतलब कि ये सोमनाथ ट्रस्ट का ही एक वो है, आश्रम कह लो या डॉर्मेटरी कह लो, यहाँ केवल और केवल 90 रुपये में अपने को जगह मिल चुकी है भैया, और 90 रुपये में एक बेड डॉर्मेटरी वाला, ठीक है, साथ में अपना बाथरूम सेपरेट है मतलब कि उसी के अंदर, और पानी पीने का बढ़िया। और ये जगह दिखाता हूँ मैं, ये जगह है मतलब बढ़िया नज़ारा है,
धन्नो ये खड़ी है भाई, मुझे सबसे ज़्यादा इसी की टेंशन हो रही है क्योंकि यहाँ पे इसको खड़ी करने के लिए कोई सेफ जगह नहीं मिल रही। ये मुझे मतलब कि यहाँ पे ना ऐसे ही खुले में कहीं खड़ी करनी पड़ेगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है, सामान ऊपर लेके चलते हैं और फिर आगे की अपडेट आपको आगे मिलेगी। अपने यहाँ बढ़िया काम हो चुका है और बताऊँगा डिटेल में कि यहाँ पर मतलब 90 रुपये में आपको बढ़िया अपना आईडी प्रूफ जमा करना है और आपको एक डोरमेट्री मिल जाएगी। बाकी की डिटेल में ऊपर जाके अपना सारा सामान रख के फ्रेश होके ना धोके और कुछ खा लूँ भैया, बहुत भूख लग रही है, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है जी, जय बाबा जी। तो हम आ चुके हैं भैया दोबारा से, पूरा नहा धोके फ्रेश होके कपड़े वपड़े धोके साइकिल को हमने सेफ जगह बांध दिया है कूड़ेदान के साथ। ठीक है, तो मैं आपको सोच रहा था एक बार डोरमेट्री का व्यू भी दिखाऊँ, तो पहले ऊपर से यहाँ से दिखाता हूँ। ये रास्ता है, वहाँ सामने वो रहा सोमनाथ बाबा जी का मंदिर, उधर से हम आए थे ऐसे, नीचे अपनी साइकिल खड़ी है इसके नीचे, यहाँ नीचे रिसेप्शन है, उसके बाद लिफ्ट से ऊपर आओ या जीने से ऊपर आओ, मेरे को रूम मिला है 1st फ्लोर पे। ठीक है भैया, और उसके बाद की फैसिलिटी मैं एक बार ही दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये है अपना डॉर्मेट्री, इसके अंदर 20 बेड्स हैं, मतलब कि टोटल यहाँ पर 20 बेड हैं जिसमें से एक बेड हमें मिला है। सबसे पहले तो मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से ये बेड है, अपने को मिला है 54 नंबर, दिस वन इज़ अवर 54 नंबर का अपना ये है। हमने कपड़े वपड़े धो धा के आराम से सुखा लिए हैं भैया, और एक बारी मैं आपको बाथरूम भी दिखाता हूँ भाई। तो ये बाथरूम जैसे आप मतलब नॉर्मल डॉर्मेट्री लेते हो कहीं पैसे दे के 500-600 रुपये, कुछ उसी तरीके का है ये अपना बाथरूम, और इधर अपना बेड। मैंने वो मैट ने एक्चुअली क्या है, मैट ना लोकर में आ नहीं पाया, मैट और शूज़, तो इसको हमने यहीं रख दिया, और मैं आपको एक बारी उसका लोकर दिखाता हूँ। अपना लोकर भी 54 नंबर। ठीक भाई, मेरा तो सारा सामान आ गया अंदर, टेंट और बैग वगैरह, स्लीपिंग बैग वो पड़ा, हेलमेट, पानी की बोतल, सारा सामान सुरक्षित है। और जी हमें जो ये मिला है इसका जो प्राइस है केवल 90 रुपये, मैंने बताया था 90 रुपये में अपना बढ़िया जुगाड़ हो चुका है, कपड़ा धोना नहाना सब कुछ हो गया। अब हम जा रहे हैं बाहर नाश्ते की फिराक में, लिफ्ट भी बढ़िया है भाई, होटलों में भी नहीं मिलती लिफ्ट, तो अपन को जाना है ग्राउंड पे। मस्त लग रहा हूँ ना बल्कि तो अच्छा है भाई, मतलब दिल खुश हो गया मेरा तो, यहाँ क्या ही बताओ। मैं अपनी धन्नो दिखाता हूँ मैंने कहाँ खड़ी करी है, धन्नो खड़ी ये रही भाई, ठीक है, सेफ खड़ी है मेरे अकॉर्डिंग तो, और जगह ये है, ये इसका नाम है श्री सोमनाथ ट्रस्ट डोरमेटी अतिथि गृह। ठीक है भैया, आप गाड़ी से आओ तो यहाँ पार्किंग कर लो, और मेरी धन्नो से आओ तो वहाँ खड़ी कर लो। तो अब हम चलते हैं भैया बाहर की तरफ, कुछ नाश्ता करते हैं। यहाँ पे एक मतलब कहते हैं ना ट्रस्ट की तरफ से ही एक भोजन कराया जाता है, मतलब कि लंगर कह लो या फ्री ऑफ कॉस्ट, पर वो शुरू होता है यार 11:30 बजे, तो माइट भी कि 11:30 वो थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि मेरे को लगी है भूख में 4 बजे का जगा हुआ हूँ। और यहाँ से जो टेंपल है ना केवल और केवल ये लगा लो आप वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मीटर, और यहाँ पर मतलब सब कुछ है, ATM वगैरह सब कुछ, ATM मतलब यहाँ पर 3 वो हैं धर्मशालाएँ, सबके नाम अलग अलग हैं, एक तो सागर करके है और एक ये महेश्वरी समाज की है, तो मतलब 3 है टोटल जो सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से चलाई जाती है। और यहाँ अपना ATM भी है, और आपको कुछ सामान वगैरह लेना हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ तो हम चल रहे हैं नाश्ते की तलाश में, कुछ बढ़िया नाश्ता करेंगे और आगे फिर देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे AC डॉर्मेट्री है, ये नहीं पता कितने का है, यात्री सुविधा केंद्र, आई थिंक ये थोड़ा महंगा होगा, मैंने पूछा नहीं। आज हम पूरा दिन यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, मैंने अभी आज एक ही दिन के लिए लिया है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर मुझे उससे बेटर कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, इधर हम 90 रुपये दे के यहाँ आराम से रहेंगे। ठीक है जी, कुछ खाते वाते हैं और फिर आपको अपडेट देंगे अगर कुछ ऐसा स्पेशल था। और मंदिर कहाँ अभी श्योर नहीं हूँ कि शाम को जाते हैं अभी, तो देखते हैं। ठीक है जी, तो 30 रुपये में भैया नाश्ता मिला है अपने को, ये खाते हैं और वापसी जाके सो जाते हैं। इधर हम बैठे हैं मंदिर के सीधा वाले रोड पे,
मस्त ये नाश्ता करके जाके सो जाएंगे। लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज लेके आया हूँ, मतलब कि काफी लोगों को पता होगा सोमनाथ बिल्कुल ओशियन के मतलब किस दरिया किनारे है, तो यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ ओशियन व्यू एक जगह है, मतलब कि बिल्कुल टेंपल के सामने चौक पे ही वो है, मतलब कि वहाँ पे आपको 5 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है और अगर 10 रुपए दोगे तो वो जो साइकिल्स रखी है ना वो साइकिल भी चलाने को मिलेगी। पर तो भैया हम दिल्ली से तो साइकिल चला के ही ले आए, अब यहाँ साइकिल यहाँ भी साइकिल चलाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम चल रहे हैं ओशियन व्यू पे, भैया यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। 5 रुपए की टिकट साइकिल के साथ, 10 रुपए अलग से, पर अपने को साइकिल चलानी नहीं, बहुत साइकिल चला ली भैया। ठीक है, दिखाता हूँ नज़ारे ज़रा। तो जी 5 रुपए में आपको देखने को मिलेगा ये, और कैमल राइड के पैसे अलग से, और उधर राइट हैंड साइड पे जितनी भी ये छोटी छोटी आप झोपड़ीज देख रहे हो इसके अंदर मतलब कि आपको खाना पीना कुछ खरीदना हो तो वो मिलता है। कुल मिला के 5 रुपए सिर्फ, आई थिंक पता नहीं किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, दुकान वालों से भी रेंट लेते होंगे। 5 रुपए लेके कम से कम यहाँ की सफाई हो जाती तो इनके 5 रुपए वसूल होते, पर ये 5 रुपए भी पता नहीं क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। कोई बात नहीं, अपन ने 5 रुपए दिए यहाँ आए और वापसी जा रहे हैं। मेन मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा होता दिखाने वाला तो ज़रूर दिखाता, बट कुछ ऐसा खास है नहीं, तो इसलिए आप चलते हैं वापस। हमारे 5 रुपए हो गए जी वसूल। आई थिंक ये लॉर्ड शिवा का स्टैचू है या क्या, इनको ढक रखा है। दरिया, ये दरिया थोड़ा सा गंदा ही है, इससे अच्छा तो अपनी शिवराजपुर बीच थी। तो हम वापसी चल रहे हैं अपने डॉर्मेट्री की तरफ, वहाँ आराम से सोएंगे भैया। बाय बाय। जी अपने को फाइनली वो वाला भोजन मिल गया जिसकी मैं कह रहा था, प्रसाद मिलता है सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से, रोटी चावल हलवा दाल तोरी की सब्जी और आलू की सब्जी, बढ़िया इसको खाते हैं और अपने मज़े करते। भोजन कर लिया भाई, और ये फ्री वाला भोजन था, इसको सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से कराया जाता है, बढ़िया एकदम स्वादिष्ट। ये पीने का पानी का काउंटर है, मैं सजेस्ट करूँगा पहले पानी भर लेना निःशुल्क, और वो उधर काउंटर है अपना, वहाँ से पर्ची मिलती है, इस काउंटर से आप पर्ची लोगे और अंदर आपने जाके खाना है। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है इसलिए अंदर बना नहीं पाए, बाकी अपने को खाना बहुत अच्छा मिला कि क्या बताएं, एकदम पेट भर चुका है। ये सुबह 11:30 बजे के बाद चालू होता है, बाकी की डिटेल तो मेरे को शाम को मैं किसी से पूछता हूँ कि शाम को मिलता है या नहीं। और इसका रास्ता है सोमनाथ मंदिर से सीधे हाथ की तरफ मुड़ के, सोमनाथ मंदिर से सीधे हाथ की तरफ मुड़ के आओगे तो उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पर एक ये दिख जाएगा भोजनालय सोमनाथ ट्रस्ट के नाम से, तो भाई बढ़िया था एक नंबर। भैया मूल तो बहुत खा लिया हमने, सोचा ये भी ट्राई कर दें, नया माल है मावा मलाई 20 रुपए में, खुशबू आइसक्रीम, और अपन ने मस्त खाना वाना भी खा लिया है भैया। अब हम जा रहे हैं विश्राम करने अपने डॉर्मेट्री में, और शाम को देखते हैं हम कहाँ निकलते, क्योंकि यार धूप इतनी है ना, धूप ने बैंड बजा रखी है।